रितेश, पता है मैं यहाँ पे क्या करना हूँ? Okay, let me guess. तुम यहाँ पे रिपल से पोकन को बुला रहे हो. रिपल से पोकन को बुला रहे हो? अच्छा. भाई बहन, मैंने लेट्स को पीकाचू खेला था, वहाँ पे मेरे को याद है कि ये बंदा यही करता है. इसके साथ एक मोहतरमा भी रहती है, आई गेस. बिल्कुल सही, ये मेहनत का काम है. इसने तो ये पता ही नहीं कि ये कर क्या रहा है. वेट अ मिनट, नहीं पता मेरे को. मैं रिपल स्प्रे कर रहा हूँ ताकि पोकमन को, अच्छा मैं भूल गया, मेरे ख्याल से मैंने पोकमन को अट्रैक्ट करने के लिए साथ से बोल दिया था ना, बट कोई बात नहीं ब्रो. भाई प्रर आता सी भाई जान, स्वागत है तुम्हारा पोकमन मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के एक और नए एपिसोड में. जहाँ पे पिछली बार अगर तुमको याद हो तो हमने फ्रॉक को हरा दिया था एंड हमको हमारा फ्रॉक ही मिला था. यहाँ पे तुम देख सकते हो ये 32 लेवल का है और अभी ये पीसी में जाने वाला है, क्योंकि अगर मैं तुमको इसका समरी दिखाऊं तो यहाँ पे तुम देख सकते हो इसके पास बहुत ही अच्छे तरह के मूव्स हैं और ये 32 लेवल का है. तो फर्दर जब हमारे पास कुछ टीएम्स आ जाएंगे और हम थोड़ा लेवल अप हो जाएंगे ना, तब हम इसका यूज़ करेंगे बाद में, वो भी सही रहेगा आई गेस. अभी के लिए तो बिल्कुल एक तरह से ओवर लेवल्ड भी है और हमारी टीम में रहेगा तो इसको एक्सपीरियंस और मिलते रहेगा, जिसके कारण से you know, इसका लेवल और भी ज़्यादा बढ़ेगा, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता अभी के लिए. हालांकि मेरे को इसको इवॉल्व अगर करवाना है तो आई गेस इसका लेवल अप तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि 32 पे आई गेस ग्रेनिंजा नहीं होता, 36 पे ग्रेनिंजा बनता है. बट जो भी है, अभी हमको जाना है म्यूजियम में, क्योंकि अगर तुमको याद हो तो एस ने बोला था कि हमको म्यूजियम में जाके पहले उससे मिलना है, मुलाकात करनी है. तो या लेट्स जस्ट गो. वो ऊपर साइड पीकाचू पे था बैठा हुआ, ये पक्का पैसे लेगा मेरे से, बहुत पैसे हमारे पास, अमीर आदमी है. राइट, 50 पोगे डॉलर्स, नॉइस. ओके, यहाँ पे और क्या क्या भैया? एरोडैक्टाइल फॉसिल, एक प्रिमेटिव और रेयर पोकेमन. प्रिमेटिव मतलब वही, तुम समझ ही रहो उसका मतलब, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है. मैं खुश हूँ कि मेरी जिंदगी इतनी लंबी है, कभी सोचा भी नहीं था कि एक ड्रैगन की बोन्स देखूंगा. ओके, वेल अच्छा है आपकी उम्र इतनी लंबी है. ये वाला फालतू पोकमन है, कबूटॉप्स. ओके, ट्रांसलेटर की मर्जी, जो उसको वो बोलना चाहे. बट मैं ऐसा नहीं चाहता, ओ ऐश यहाँ पे है, बट मैं ऐसा नहीं चाहता कि मेरी इतनी लंबी उम्र हो. मैं बस चाहता हूँ मेरी उतनी उम्र हो जितना मैं इन्जॉय कर पाऊँ, बाद में मेरे को उतना बुढ़ापा नहीं सहना बेड पे लेटे लेटे भैया. हाँ हाँ, एक पीकाचू पक्का. वेट, क्या बोला इसने? मुझे एक पीकाचू चाहिए, वो कितना क्यूट है. डैडी मेरे लिए एक पकड़ेंगे? ओके नाइस. ओके, और आप क्या करो यहाँ पर? इस महीने हम एक स्पेस एक्सिबिशन रखेंगे. ओ, क्या मैं देख सकता हूँ उसको? हेलो ऐश. हे रोहन, तुम आ गए. अब सुनो, इंटर डायमेंशन ट्रैवल की वजह से तुम्हारी मेमोरीज जा चुकी है, मगर इस दुनिया में आने से पहले तुम किसी ऐसी दुनिया में थे जहां पोकमन सिर्फ एक गेम था और तुम उसमें ऑलरेडी चैम्पियन थे. अब तुम्हें एक बार फिर से सफ़र करना होगा और चैम्पियन बनना होगा. शायद इसी बीच तुम्हें वापस जाने का कोई रास्ता मिल जाए. फिलहाल मैं उन सभी ट्रेनर्स को ढूंढता हूँ जो इस दुनिया में आ गए हैं, और हाँ, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है. मेरे लिए मोमो मिल्क दिया इसने. ओके नॉइस, चलो सही है भाई. और ये कौन से हैं? एक मीटियोराइट जो कि मून से गिरा, ये माउंट एम्प्टी पे पाया जाता है. बाकी सब तो यहाँ पे कुछ खास है नहीं, हमको चलना चाहिए यहाँ से. फर्दर मेरे ख्याल से हमको आगे जाना पड़ेगा मिस्टी की तरफ. यहाँ पे और कुछ घर वगैरह रहते थे, यहाँ पे भी रहता था घर, बट घर तो नहीं है. ऊपर साइड कट वाला वो चीज़ है, इधर साइड एक घर है. हेलो नीडो रे ना, बैठो. बाओ बाओ, वैसे बोलती है वो. हमारा पोकेमन बाहर वाला है, इसलिए वो किसी की नहीं सुनता. एक बार उसने कमिटमेंट कर दी तो वो मेरी भी नहीं सुनता. वो ट्रेड में आया था, इसलिए वो ऐसा है, इसलिए जिम बैचेस जरूरी है. ओके, आई कैन अंडरस्टैंड अबाउट डैट, बट सही है. ट्रेड में कभी कभी ऐसा हो जाता है. हेलो भैया जी, तुम म्यूजियम को देखे? ऑफ कोर्स, हमने देखा तो मूनस्टोन वाला फॉसिल, कितना मस्त था ना. ओके ओके, मस्त तो था वैसे. ओ रोहन, मुझे खुशी है कि तुम मिल गए. मैं प्रोफेसर ओक का असिस्टेंट हूँ, मुझे कहा गया था कि तुम्हें ये दे दूँ, सो हियर यू गो. रोहन को मिले रनिंग शूज, ओ नॉइस. ओके ओके, ना मैं बी क्लिक करके वैसे कर सकता हूँ.
वेल अब मुझे लैब वापस जाना है, बाय। ओके, वैसे तो मैं यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड ज़्यादा यूज़ करता हूँ। देयर इज़ अ लेटर अटैच्ड। ओके, डियर रोहन, हियर इज़ अ पेयर ऑफ रनिंग शूज़ फ्रॉम फॉर माई बिलव्ड चैलेंजर। रिमेंबर आई ऑलवेज चीयर फॉर यू, डोंट इवन गिव अप। ओके, फ्रॉम मॉम। बिलव्ड चैलेंजर जब तू उसने लिख दिया ना तो पक्का चल गया, मतलब पता चल गया मेरे को कि मॉम ही होगी वो। बट सही है ब्रो, नीचे साइड यहाँ पे कुछ नहीं है, ऐसे लंबा रास्ता रहता था, पता नहीं। ओ, पीछे से नहीं जा सकते। चलो थोड़ा ट्रेनिंग कर लिया चाहिए। हेलो मोहतरमा, ये कौन सा पोकेमॉन है भाई? मिल श्री जो भी है। येलो स्वीट किश, कंफ्यूज कर दिया मेरे को। मेरे को दूसरे पोकेमॉन्स को भी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। और हाँ, एक और चीज़, पिछली बार मैंने तुमसे बोला था कि तुम मुझे ये बताओ कि मैं साइथर को इवॉल्व कैसे कर पाऊँगा। तो उसका इवॉल्व करने का थोड़ा सा लंबा चीज़ है, मेरे को ट्रेड करना पड़ेगा। अब एक चीज़ मेरे को नहीं पता कि क्या इस गेम में ट्रेड स्टोन है या फिर नहीं है, बट अगर ट्रेड स्टोन होगा तो फ़ायदा है, अदरवाइज़ दिक्कत है। वैसे दोनों के स्टेट सेम ही रहते हैं, मैं चाहूँ तो साइथर भी यूज़ कर सकता हूँ ऑलरेडी। एक फ्लाइंग एंड बग टाइप पोकेमॉन भी सही रहेगा टीम में, बट सीजोर मेरे को ज़्यादा पसंद है। सो या, अभी के लिए तो हम टीम में रखते हैं। फर्दर जब हमको आगे थोड़े और पोकेमॉन्स मिलेंगे ना, तब हम उसको हटाने का सोचेंगे। ट्वेंट रखने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली एक और चीज़ है, कौन सा? फॉल्स स्वीप्स। फॉल्स स्वीप्स का क्या है भाई? अ रीस्टिंग अटैक दैट ऑलवेज लीव्स फॉर विद एट लीस्ट 1 HP। पोकेमॉन्स को कैच करने के लिए सही है, बट ऐसे बेकार मूव है वो। बिलीफ, आई डिडंट थिंक मेरे को चेंज करने की ज़रूरत है। हालांकि मेरे पास कोई बग टाइप या फ्लाइंग टाइप मूव्स नहीं है, बट स्टिल टाइप एडवांटेज मेरे को थी। यहाँ पे पॉइजन क्यों कर दिया इसने मेरे को? ओह माय गॉड। ओके, वैसे तो तीनों पोकेमॉन मेरे टाइप एडवांटेज पे ही है। एम्बर, अरे व्हाट द हेल, उसका डिफेंस भी बढ़ गया अब तो। ऊपर से उसको सिंथेसिस आता है, बोर्न हो जाना बस वो। इसको ही पॉइजन कर दिया उसने। ओह नहीं यार, ये बेलीफ काफ़ी अनोइंग है। ओके, मैं नज़र को ला रहा हूँ अभी के लिए। पैक अटैक क्या ये पे? रुको रुको रुको, सिंथेसिस काफ़ी भाई दिमाग ख़राब होगा इसको हराने के लिए। ओ फाइनली वो हारी बहन, काफ़ी सारे मूव्स लग गए। रुको मैं जल्दी से हील करके आता हूँ। ऑल्सो मैं एक चीज़ करना चाहता था, लाइक यहाँ पे अगर हम पोकेमॉन पे जाएँ तो मैं तुमको एक आइटम में यहाँ पे दिखाऊँ। इससे हम पहले आइटम टेक कर लेते हैं। इसके पास एक लकी एग रहता है हमारे स्टार्टर के पास, तो हम ये लकी एग लेके कर क्या सकते हैं, अपने वैसे पोकेमॉन को दे सकते हैं जिसको ज़्यादा एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। पहले तो इसको यूज़ कर लिया जाए। अच्छा यूज़ नहीं, गिव करेंगे ना हम लोग इसको मिजवा को दे देते हैं। मिजवा नाम रखा था मैंने उसको, मैं खुद भूल जाता हूँ नाम, बट ठीक है। मिजवा को फ्रंट में रख लेते हैं अभी के लिए, ताकि उसको ज़्यादा एक्सपीरियंस थोड़ा सा मिले। मैं चाहता हूँ उसको थोड़ा जल्दी लेवल अप कर लिया जाए, क्योंकि बाद में वो काफ़ी काम आने वाला है। और यहाँ पे तो तुम देख ही सकते हो मेगा एवोल्यूशन, नो वे। ओह माय गॉड, अब मैं क्या करूँ भैया जी, दिक्कत है। हार्डन, ओके ओके, लिस्ट चीट पहले कर लिया जाए। इन सारे सिचुएशन में से ये सबसे ज़्यादा सही रहता हो। मैं साथ से पॉइजन पाउडर यूज़ कर सकता हूँ। नॉइस, आई गेस मेरे को टैकल ही यूज़ करना चाहिए यहाँ पे। ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जीत तो हम ऑलरेडी खुद ब खुद जाएंगे। ये ब्रो देखा, इसके पास तो एक ही पोकेमॉन होगा। हाँ डोटलर है इसके पास। मिजवा को लाना चाहिए। ओके मिजवा को ही लाते हैं। 23 लेवल का, नो यार। मेरे को फिर से जाके रिवाइव हील करवाना पड़ेगा। ओ नाइस, मिजवा इवॉल्व हो रहा है। ओके ओके, मैं इंतज़ार तो कर रहा था थोड़ा सा इसका। मैंने ज़्यादातर इस पोकेमॉन को नहीं रखा, इसका नाम भी मैं भूल गया। इसका सेकंड स्टेज का नाम क्या है ब्रो? टोरा कैट। ओके टोरा कैट, वेलकम टू द टीम। फॉल्स स्वाइप, फ्यूरी स्वाइप्स नहीं सीखना तुमको, मत सीख। चलो सही है, मैं एक बार हील करवा लो। ओके इट्स टाइम टू गो। यहाँ पे और भी ट्रेनर्स यार, पीछे से नहीं निकल सकता मैं, निकलना भी नहीं चाहिए। मैं जितनी बार ट्रेनर से लड़ा हूँ ना, हर बार मेरे को जाके भाई पोकेमॉन हील करवाने पड़ते हैं। क्या पोकेमॉन ट्रेनर बनूंगा मैं, क्या बताऊँ मैं। ओके आई गेस ये एक वाटरडी पोकेमॉन है, क्लोबोपस, ऑक्टोपस टाइप को, पक्का ये वाटर टाइप है। ओके लेट्स जस्ट चेंज। पॉइजन पाउडर मैं फालतू में कर रहा हूँ, मेरे को रेजर लीप करना चाहिए। नोप, वाटर डीप नहीं था, आई मीन सुपर इफेक्टिव नहीं था उस पर मूव। डिटेक्ट, नो प्रॉब्लम एट ऑल।
ओके, खतरनाक मूव्स आते हैं इसको। ब्रिक ब्रिक अच्छा मूव है एक वैसे तो। नज़र 18 में पहुंच गया, सही है ब्रो। चलो, ओह नज़र भी बॉल बोल रहा है, नॉइस। नज़र किसी का तो इंतज़ार था। इसका लास्ट स्टेज कोवर नाइट क्या बोलते हैं उसको, जो भी है वो काफ़ी मस्त लगता है मेरे को। अभी तक मैंने उसको भी यूज़ नहीं किया इसलिए बस मैंने पकड़ा था उसको। मैं आगे कैसे जाऊँ? हाँ, मेरे को फिर से दूसरे रूट पे ऐसे ऐसे यहाँ से मेरे को इधर पहले जाना पड़ेगा, अब फिर ट्रेनर रीसेट होंगे तब मैं आगे जा पाऊँगा। ओ नाइस, यहाँ पे एक चेंसी है। चलो, मेरे को फिर से पोकेमॉन सेंटर तो दौड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक बार गेम सेव कर लेते हैं और आगे चलते हैं। फिर मैं फिर से ट्रेनर्स के चैट पढ़ना भूल गया बन। मैं हर बार यही भूल जाता हूँ। यहाँ पे ये बनते हैं मेगा एवोल्यूशन के साइन, बट ये डायनामिक्स है, पिछली बार मैंने गलत बोल दिया था तो यार मुझे माफ़ कर देना इन सब चीज़ों के लिए, छोटी मोटी चीज़ गलतियाँ तो होते रहती है। ओके, उतना तुम इस सब पे ध्यान मत दिया करो। लेट्स यूज पॉइजन पाउडर। हमारा बिल्लू जी पॉइजन हो गया है। आई गेस मेरे को नज़र को ही ला रहा चाहिए। नज़र थोड़ा बच के, अगर तू जिंदा नहीं रहेगा तो तेरा एक्सपीरियंस भी नहीं मिलेगा। नॉइस, अब मैं क्या करूँ? तेजी तू ही आ जा, वैसे भी वो तो हार ही गया है, बस क्विक अटैक करने की देरी है। चलो सही है, नॉइस, हमारे पोकून भी हील हो गया। ये तो पक्का बग टाइप यूज़ करेगा। बटरफ्री, लेट्स यूज एम्बो। कितने सबके पास मेगा एवोल्यूशन है भाई, अब क्या करूँ? इसके पास तो मूव्स ही नहीं है। लो, पैरालाइज कर दिया मेरे को। ओह नाइस, खुद का खतरा खुद मोल लिया तूने। ओके, ये भी परफेक्ट है, उतना गंदा भी नहीं है तेरे लिए। स्टन स्पोर, फिर से वो करना वरिन विरल। हाँ, इसको नहीं लाना था, इससे भी ले ले तो। जो पोकेमॉन लाएगा उसी से इसको दिक्कत हो जाएगी। चलो नाइस, और इसके पास कौन से पोकेमॉन है? तेजी 19 में पहुंच गया। अरियाडोश एक रॉक एंड बग टाइप पोकेमॉन है आई गेस। अच्छा नहीं, ये तो सिर्फ नॉर्मल बग है। ऑफकोर्स मैं किसी और को समझ रहा था अरियाडोस, मैं हमेशा ही समझ जाता हूँ, शायद से उसका नाम अर्मांडो है आई गेस। मैं उन दोनों में कंफ्यूज होते रहता हूँ, बट सही है। डन लाइक डिनर। ओके चलो, एक बार और हील कराते हैं हम लोग। जस्ट इग्नोर सम बैकग्राउंड नॉइजेस। हे हैंडसम, जल्दी में हो? बहुत जल्दी में हम मोहतरमा। ओके, हटीना इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन है क्या? आई गेस इफ इट इज़ लाइक दैट तो मैं हरमा को लाना प्रेफर करूँगा। लेट्स यूज लेस शीड। ओके, अपनी चामनेस से हमको चाम कर रही है। ओह माय गॉड, साइकिक टाइप है, कौन सी टाइपिंग है इसकी? आई डोंट नो अबाउट दैट, बट जो भी है इस पे ग्रास टाइप्स तो काम नहीं कर रहे ज़्यादा, मेरे को लगता है मेरे को चेंज करना पड़ेगा। लेट्स यूज तेजी। डार्क टाइप काम करेगा, फेरी तो नहीं है ना? स्लीप अगेन, ओह माय गॉड, कितना सोएगी ये बंदे। हेटना। ओके, मेरे को कुछ पोकेमॉन्स के नाम याद रखने पड़ेगा। चली तो भाई, कम से कम ग्रोटिल है नेक्स्ट पोकेमॉन। ओह माय गॉड, मिसवा तू ही आ जाओ। लेट्स यूज सम फायर टाइप मूव्स। ओ, उसका बाइट काफ़ी खतरनाक है। नॉइस, हार तो गया, मेरे को लग रहा था मैं ना हार जाऊँ। लेट्स गो, बाय बाय मोहतरमा, बाद में मिलेंगे हम लोग। यहाँ पे मैं आ चुका हूँ, मतलब ऐसा इस जगह को मैं ट्रैवल कर चुका हूँ। ओह, सामने वो लूकर क्या कर रहा है मैन? आई गेस मैं यहाँ से हरमा को रखना आगे प्रेफर करूँगा क्योंकि ओके, दिस मैन लुक सस्पीसियस। अरे वाह रेड, गजब की टाइमिंग है तुम्हारी। क्या मतलब, तुम मुझे नहीं जानते? भूल गए तुमने सिनो में टीम गैलेक्टिक को रोकने में हमारी मदद की थी? अब लेकिन हमने ल्यूकस को उस जग में खो दिया था। एनीवेज, मुझे कैंटो किसी इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया गया है। लगता है मल्टीवर्स का बैलेंस बिगड़ रहा है और दूसरी दुनिया के चैंपियंस हमारी दुनिया में आ रहे हैं। मुझे इसकी गहराई तक जाना होगा, तुम्हें कुछ पता चले तो मुझे बताना। अरे हाँ, जैसे कि सिंधिया ने तुमसे प्रॉमिस किया था, उसने तुम्हारे लिए ये भेजा है। मेरे लिए मास्टर बॉल भेजा? व्हाट? अरे वाह, एक मिनट, पहले किस चीज़ की स्टोरी? व्हाट द हेल, यहाँ पे ये क्या है भाई? हेलो लुकर, वो देखो भाई, पोर्टल खुला हुआ है वहाँ पे। इसका सही इस्तेमाल करना सिनो हीरो, सिनो के हीरो, मेरी टीम आती ही होगी। फिर
मिलेंगे रेड। ओके, मुझको सबसे पहले कमेंट करके ये बताना ये किस गेम की स्टोरी है, क्या मैंने इसको खेल रखा है? क्योंकि मैं भुलक्कड़ हूँ भाई, मैं भूल चुका हूँ सब कुछ। और पोतरमा आप यहाँ क्या कर रही हो? मैं गलती से एक जियोडूड से टक्कर खा के गिर गई। कोई बात नहीं होती। हे, ये तो वो है, इसका नाम वो मीक, अरे यार वो पोकेमॉन सोर्स का जो हीरो रहता है, हीरो नहीं मतलब हमारा पार्टनर एक टाइप का रहता है। मे बी ये कुछ और कैरेक्टर हो बट अवतार तो वही लग रहा है मेरे को। यो ब्रो, पैंचो कितनी टेंशन हो गई थी। व्हाट? मेरे को पता है पैं ओके मेरे को पता है, छोड़ो उस बात को जो मैं बोल रहा था। उस अजीब से पोर्टल से मैं सीधा अपने घर पहुंच गया था होएन में, सब मेरे फैंस थे लोल। बोले मैं तो चैंपियन हूँ, पर बीसी तुमने और मैंने तो कब की टीम वाइट ज्वाइन कर ली थी ना। अरे कौन सी यूनिवर्स है भाई, आई मीन टीम वाइट मेरे को याद है, टीम वाइट मेरे को याद है पुकमे साइफ में था आई गेस। हाँ पुकमे साइफ में था, पुकमे सोर्स में भी था क्या? पुकमे साइफ में था इतना तो याद है। और ये बंदा वहाँ से आया है बट ये विलन बन चुका, मतलब हो सकता है उस वाले मल्टी यूनिवर्स में ये गंदा आदमी हो आई गेस, ऐसा कुछ। मुझे लगता है ये दुनिया अपनी नहीं है ब्रो। एक सेकंड, क्या पैंचो तुम मुझे नहीं जानते? एक्चुअली मैं बस चैट भर रहा हूँ, तुमको कुछ और लगे तो मुझे माफ कर देना। लगता है एक बैटल ही तुझे याद दिलाएगा। ओके ये हमारा एक मिनट, ये ब्रैंडन था, व्हाट द हेल, वो टीम वाइड कहाँ की थी भाई? ये क्या नाम था उसका, मैंने ध्यान नहीं दिया। ओके बैटल करने के बाद तो दिखेगा ना वो। ये मेरे को भाई बुक में साइफ वाला कैरेक्टर लग रहा है बट देखते इसका नाम क्या था। मिक था आई गेस। ओके एक और मूव मत करना, डबल स्लैप बच गए हम। चलो उसका सेप्टाइल तो गया भाई। मिसवर 21 में पहुँच गया, नज़र भी सही है 20। ओ ड्रैगन नाइट, सीरियसली मैन। हरमा आजा ब्रो, अभी के लिए एक बार लिशीट कर दे तू। ड्रैगन रेज, ओ माई गॉड ड्रैगन रेज काफ़ी खतरनाक है। पॉइजन पाउडर, दैट वॉज फाइन। अभी के लिए मेरे को उसका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वेस्ट करना है। अगर मैं यहाँ पे क्या ही कर पाऊँगा, पिक अटैक, ओ माई गॉड कैसे काम चलेगा हमारा, जल्दी से उसको हमको। अरे मैं रन क्यों कर रहा हूँ भाई। ओके परस्यूट खत्म, चलो नाइस। सर ब्रैंडन, ओके रुको तो कौन हो तुम, कौन हो ब्रो? भैंस की आँख, मेरा वाला रेड पूरा इविल था, तू पता नहीं अच्छा कैसे है। मैं बदला जरूर लूंगा पैंचो। आई वॉन्ट टू बी डेट कैरेक्टर अगेन, व्हाट द हेल। वो पक्का दिल्ली से था ब्रो। उसका लैंग्वेज से पता चल रहा है। ओके दे आर फनी मैन, बट उसका जो पोकमेंस था ना वो मेरे को पोकमेन साइफ वाला कैरेक्टर का याद दिला रहा है, क्योंकि उसके पास भी एक सैप्टाइल था अगर तुमको याद हो तो। पोकमेन सोर्स वाला, साइफ में नहीं था आई गेस। सोर्स में एक चैम्पियन था मेरे ख्याल से, जो भी है दूसरा रीजन का चैम्पियन था वो बेसिकली। वो ट्वेनर है, बैटल कर लिया जाए क्यों? यहाँ पर मेरे को ट्रेनिंग तो करनी ही पड़ेगी ऑफकोर्स, तो वही नेट थोड़ा बैटल कर लिया जाए। वो पक्का बर्ग टाइप मेरे को लग रहा हो, उसके पास पोकमेंस होंगे तो वाई नॉट इसको पहले हरा दिया जाए। हेरिक्रॉस नॉइस, मेगा इवॉल्व, मैंने क्यों बोला ये। हॉर्न अटैक खत्म, मरो नाइस, सही है ऐसा ही होना चाहिए। सुपर पोशन पैक अटैक भाई काफ़ी खतरनाक उस पर लग रहा है, क्योंकि एक तो वो फाइटिंग टाइप ऊपर से वो बग टाइप, चार गुना इफेक्टिव। ओके नॉइस, मैं अभी बहुत पास में हूँ तो मैं पोकमन हील भी करा लूँगा, दिक्कत भी नहीं होगी मेरे को। इसके एरी पे सिखा के क्या करेंगे, तेज 21 एजिलिटी, फोकस एनर्जी से तो ज़्यादा ही अच्छा है। फोकस एनर्जी से क्या ही होता है ब्रो, क्रिटिकल हिट रेशियो बढ़ता है मेरे ख्याल से शायद से। ओके जो भी है, पहले बीड्रिल को हराया चाहिए, फोकस एनर्जी से कुछ नहीं होगा। ओ माई गॉड चार बार लग गया मेरे को, ओ माई गॉड कोई बात नहीं, ले शूट करते हैं टू एनेडल। फंस गया तू जाल में, टैकल। वो पॉइजन नहीं होता ना, अच्छा वो खुद पॉइजन टाइप है तो पॉइजन कैसे होगा वो, येलो। ओह देयर वी गो, जीत चुके हैं हम। चलो मैं एक बार पोकमन हील करवा के आता हूँ, चलो चले। होपफुली अंदर मेरे को ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत ना पड़े, आई मीन या बहुत ज़्यादा। अच्छा मेरे ने रीपल लिया है क्या? यहाँ पे पोकस काफ़ी सारे मिलते हैं अगर तुमको नहीं पता तो। रीपल अगर मैंने नहीं लिया होगा तो मेरे को जाके पहले लेना पड़ेगा यार,
अदरवाइज बाद में मैं पछताऊंगा कि मैंने क्यों नहीं लिया, मैं लेके आता हूँ पहले। अच्छा, क्या मैं अभी लूकर को ब्रैंडन के बारे में बता सकता हूँ? नहीं, ये तो अभी भी वही बकवास कर रहा है। चलो कोई बात नहीं, हम लोग अंदर चल के देखते हैं केब में। माउंट मून, हम आ रहे हैं। हेलो, अभी तक वैसे मेरे को फालतू यहाँ पे पुगस मिले नहीं ऐसे। केरला के लिए हम लोग यही कर लेते भाई एम्बर, ऐसे भी ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बट उसका लेवल 26 पे, तो इससे पता चल रहा है कि हम कितना पिछड़े हुए हैं। काफ़ी ज़्यादा लेवल अप करना है मेरे को। काम माइंड कितना भी कर ले, कितनी ही देर ही टिकेगी तू हमारे सामने। फायर स्पिन आई गेस रोर को हटा के ज़्यादा सही रहेगा यहाँ पे। रोर भी वैसे काफ़ी काम का है अगर तुम उसका सही से इस्तेमाल करो तो। ओह नाइस, यहाँ पे पोकस नहीं मिल रहे हैं, यहाँ पे बस ये जंगली पोकमन ऐसे दिख रही है। काफ़ी अच्छी चीज़ है यार, अदरवाइज वाइल्ड पोकमन यहाँ पे। ओह लावटार, कैसे पकड़ूंगा मैं उसको? ऊपर साइड जाने का कोई रास्ता तो नहीं है, उधर से मैं उधर जा सकता हूँ पहले, नीचे साइड। ओके, इधर साइड कुछ मिलता है क्या? मेरे को याद तो नहीं है, बट ठीक है। ओह यहाँ पे ये था, मेरे को याद आया, यहाँ पे हम स्टीलिक्स पकड़ सकते हैं, ये भी सही है ब्रो। सर्वाइप एक पॉइजन टी पोकमन है ना, लेट्स यूज हर्बन। पॉइजन मतलब जहर को जहर काटता है, अभी नहीं काट पाएगा ब्रो। ये मेरे को काट लेगा तो बेचारा जहरीला हर्बन हर्बन पे जहर असर कर जाएगा। पोशन यूज़ कर ब्रो। ओके, पॉइजन टेल नहीं, बच नहीं सका वो। मेरे को लगा मैं एक चांस और बच सकता हूँ। मू मिल्क से भी तो सेम ही हीलिंग होता है ना, जितना पोशन का होता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी भी ज़्यादा दूर नहीं है, हम जाके हील करवा के आ सकते हैं। आरवॉक चलो, क्योंकि वो सांप है तो हम फ्लाइंग टाइप पोकमन लाएंगे, मे भी थोड़ा काम नहीं करेगा भैया। सैंड अटैक, थोड़ा उसका अटैक ही मिस करवा देते हैं हम। लो और मिस करवाओ रोहन। चलो कोई बात नहीं, ओके पैरलाइज कर दिया मेरे को। फायर स्पिन कर सकूँ तो सही रहेगा। अरे भाई इस पर मूवी नहीं लग रहा। ओके, पोशन सही है, अभी तक मेरे स्टोर में रिवाइव नहीं आया तो वो एक प्रॉब्लम थी, बट ठीक है। सैंड अटैक का कुछ तो काम आया, आप मूव्स मिस हो रहे हैं अभी फ़िलहाल के लिए, सही है ब्रो। बाइट कर लेते हैं, बस पॉइजन ना हो जाओ मैं। चलो वो तो गया, तेजी 22 पे पहुंच गया। हॉन्डोर, ओके टाइप की काफ़ी दिक्कत है हॉन्डोर में, बस एक वाटर टाइप पोकमन होना चाहिए तो। मैं फायर स्पिन करूँगा तो, अरे यार मोमो मिल्क से कितना होगा? ओ फुल हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, मैं जीत नहीं पाऊँगा। ओके तेजी कुछ नहीं कर पाएगा मेरे ख्याल से यहाँ पर। फायर टीप मूव नहीं, बाइट से ही हार गया ये। चलो कोई बात नहीं, मैं फिर से देख लूँगा उसको। ओके दिस टाइम नो मर्सी, हम लोग यहाँ पे कमाल करेंगे सर्वाइव। पहले तो हरमन को ले जाया जाए, मैं फिर भूल गया जल्दी में, मैं बस आ गया तो। लेट्स यूज लिस्ट शीट, उस पर पॉइजन पाउडर काम नहीं करेगा क्योंकि ऑलरेडी मेरे ख्याल से वो पॉइजन टाइप है। पॉइजन टाइप ही है ना, एक बार रिस्क लेते हैं पॉइजन टेल। अरे यार पॉइजन टाइप ही है, मैं क्या रिस्क वगैरह लेते रहता हूँ। अच्छा मेरे पास 5 मोमो मिल्क है। ओह ओके भाई, ये बख्शने वाला नहीं है। एंटीडोट से काम, एंटीडोट से क्या ही काम चलेगा। चलो मैं इसको लाता हूँ तेजी पे, पॉइजन टाइप मूव ज़्यादा असर नहीं करेंगे, ज़्यादा सही यही यहाँ पे यही रहेगा। ओके ये तो गया। आरबॉक, मैं हरमन को लाना चाहता हूँ, ज़्यादा सही वही है। पहले तो मैं एक मोमो मिल्क यूज़ कर लूँ। ओके बाइट, अब लिशीट कर लेते हैं, बहुत अच्छे। अब हम लोग रेजर लिप करें, क्लियर से पैरलाइज हो गए हम, कोई बात नहीं। टैकल, मेरे को थोड़ा नज़र को बचा के रखना है, मे बी हॉन्डोर के खिलाफ वो थोड़ा काम आ जाएगा। ओके एंड देयर वी गो, जीत गए हम हॉन्डोर के खिलाफ। पहले तो मैं एक लिशीट करना चाहूँगा। ओह रोर कर दिया उसने, फायर स्पिन काम करेगा, कर गया। ओके फ़ायदा है कि धीरे धीरे उसको डैमेज पड़ते रहेगी। लिक से पैरलाइज हो गया, नॉइस, जो मैं बोल रहा वही हो रहा है, तो अभी जीतना तो कन्फर्म है। हाँ दैट वॉज ईजी पीजी, बस थोड़ा दिमाग लगा रहा था मेरे को। देख तो काफ़ी आसानी होती है जब हमको पहले से ही पता चल जाता है कि उसके कौन से बुकमन आने वाले हैं। रोहन को एक स्टार पीस मिला, नॉइस। आप क्या बोल रहे थे वैसे, मैं बात करना भूल जाता हूँ। मेरी इज्जत कहीं पानी में।
आपकी इज्जत भी थी। चलो कोई बात नहीं, पानी में ही गई ना। ओके ओके, ओ माय गॉड, आप भी लड़ोगे अंकल जी? बॉल टोन्स एक इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमन, थंडर वेव, दिक्कत है ब्रो। लेक, क्रिटिकल हिट लग गया मेरे को। मेरे पास ज़्यादा वैसे पोकेमंस नहीं है, कुछ और पोकेमंस मेरे को पकड़ने चाहिए। गेम थोड़ा टफ है तो ज़्यादा से ज़्यादा पोकेमन रहेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा हमारा ही है। पॉइजन पाउडर, पॉइजन हो जा तू, और मेरे को थोड़ा रेस्ट करने दे अभी। मोमो मिल्क करूँ, मैं पोशन ही यूज़ कर लेता हूँ। ओके देयर वी गो, जीत चुके हैं हम। कौन सा पोकेमन था? ओ ये है ग्रेडिएंट। चलो कोई बात नहीं, बात थी, वो हरा दिया उसने मेरे मेन पोकेमन को। व्हाट द हेल, सैंड अटैक क्या भाई? नो वे, दो मुंह में चला गया वो। कुछ कर, कुछ कर, कुछ कर, कुछ नहीं कर पाएगा ये। ग्रेडिएंट काफ़ी खतरनाक है यार, मैं कितनी बार हारूंगा मेरे को समझ नहीं आता। इतना बार कौन कैसे हार सकता है? मुझे बता ना तुम लोग, क्या ये गेम थोड़ा टफ नहीं है? मैं उधर जाऊंगा ही नहीं, मैं दूसरे वाले ट्विनर से लड़ लूंगा भाई। मुझे मेरे को उधर जानना ही नहीं है, ग्रेडिएंट को मैं कैसे हराऊंगा? वैसे हरा सकता हूँ मैं, मेरा बल्बसोर हरा सकता है, बट या कोई बात नहीं, हरा देंगे उसको भी। एक बार में हारने की क्या ज़रूरत थी? अरे यार ओके, मेरे को फिर से हील करवाना पड़ेगा। पॉइजन पाउडर इस पे तो हो जाएगा, मिस कर दिया मैंने एक्चुअली। असर तो होगा, असर तो होगा, जहर धीरे धीरे अपने कमाल दिखाएगा। टैकल, सिस्मिक टॉस, ओके देयर वी गो। सिस्लिपिड, सिस्लिपिड, ओके। कोई फायर टाइप पोकेमन नहीं है इफ आई एम राइट, मेरे को चेंज करने की। ओके फायर टाइप है, पहले तो लिसिड, फ्लेम व्हील, नो वे, बर्न कर दिया। इतने गंदे गंदे पोकेमन क्यों होते हैं? और मेरे को मूव भी करने नहीं दिया। कोई बात नहीं, पैक अटैक, बग टाइप भी है ये। रोल आउट से एक बार में चला गया। चलो लास्ट पोकेमन को देख ले भाई, तू देख पाएगा ये? लगता तो नहीं है मेरे को। स्ट्रगल बग, स्ट्रगल, इसके पास कोई मूव्स नहीं है जो स्ट्रगल कर रही है? जब किसी के पास सारे मूव्स के पीपी खत्म हो जाते हैं ना, तब वो लास्ट में जाके स्ट्रगल करता है। रुको मैं हील करवा के आता हूँ। नाउ इट्स गुड टाइम टू गो, चलो इधर चलते हैं, उन अंकल जी को छोड़ देते हैं भाई। रेयर कैंडी मिला मेरे को, नॉइस। ओके एक और पोकेबल, एस्केप रोप मिल गया मेरे को, भाग सकता हूँ मैं अब यहाँ पे। घूम फिर के मैं तो यहीं पे आ गया भाई, यहाँ से तो मैं ऊपर से भी आ सकता था। ओके क्यू फेंट, क्यू फेंट, तू ले ले फायर स्पिन। अब अंदर चला गया, कोई बात नहीं, उसके लिए भी मेरे पास उपाय है। अभी तू ये पैक अटैक ले, आयरन डिफेंस, ओ नो, फिर से पैक अटैक किया जाए। अरे यार, अरे यार, प्रॉब्लम है शेफ, आई गेस हरमन को लाना ही ज़्यादा सही रहेगा। लेट्स यूज रेजर लीफ, इफेक्टिव नहीं होता उस पर। कहते हो लिस्टेड स्टॉम्प, कोई बात नहीं, अरे मैं हील, क्योंकि अगर मैं हील नहीं करूँगा तो मैं बच नहीं सकूँगा। फिर पॉइजन पाउडर, अच्छा इफेक्टिव नहीं है उस पर, क्या टाइपिंग है उसकी? आई डोंट नो अबाउट डैट, बट ठीक है, झार तो गया वो। ओके फेलिंक्स, फेलिंक्स कौन सा पोकेमन है? बग टाइप है क्या शायद से? ओके मेरे गैसेस देखते हो, अच्छा बग टाइप है ना, क्या और कोई है? इफेक्टिव नहीं है इस पर ये। लेट जस्ट यूज लेक, होपफुली वो पॉइजन ना हो। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, व्हाट आई एम गोना डू? पोशन, रॉक स्मैश से एक बार में आ गया। उसके पास रॉक स्मैश एक्चुअली एक फाइटिंग टाइप मूव है। चलो नज़र, पैक अटैक कर दे। ओके नॉट वेरी इफेक्टिव, मेरे ऊपर नॉट वेरी इफेक्टिव, फाइटिंग टाइप से हरा दिया मेरे को। मैं अभी नहीं जाने वाला, मैं नहीं जाने वाला हील करवाने के लिए। मैं लिसिड दोबारा क्यों कर रहा हूँ? टैकल, ये ले भैया। चलो और कोई पोकेमन तेरे पास? नहीं बता दे मेरे को। इधर साइड ऑनिक्स वगैरह हैं, इधर से नीचे इसके आगे रास्ता है ना। मैं हील करवाना नहीं चाहता, मैं एक रेयर कैंडी पहले यूज़ कर लो,
और अपने मिसवा को थोड़ा लेवल अप कर लो। डबल किक सीख रहा है नॉइस। डबल किक काफ़ी मस्त मूव रहेगा इसके लिए। मैं लेग को हटा रहा हूँ फिलहाल के लिए, वो भी काफ़ी अच्छा है बट फिर भी। और अच्छा मैं एक बार हीलिंग आइटम तो यूज़ कर लूँ ना, अदरवाइज फ़ायदा क्या होगा उसको। अभी इस बंटी भैया से बैटल कर सकते हैं हम लोग। आ जाओ एक गलारियन म्याउथ। डबल किक तो इस पर सुपर इफेक्टिव होना चाहिए। या ब्रो ओके ओके मूव्स काफ़ी अच्छे अच्छे आ रहे हैं यहाँ पर। सर फेच्ड एक फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन है, चेंज करने की ज़रूरत नहीं लगती मेरे को। फ्लाइंग है कि ग्रास है? ग्रास भी लग रहा है मेरे को। अच्छा नहीं, तो सबसे पहले तो हम फायर स्पिन करेंगे। फाइटिंग टाइप है वो। वेट अ मिनट, रियली क्या टाइपिंग क्या है भाई उसकी? ये गलारियन पोकेमॉन है मेरे ख्याल से। टाइपिंग मेरे को कोई बताना, मैं चेंज कर रहा हूँ पहले। मेरे को अभी इसको ज़्यादा मूव से डैमेज नहीं करवाना। ब्रेक ब्रेक मेरे पे काम नहीं करेगा तेरा। परस्यूट सही है। तू लीच सीड एक बार उसको लगाना, फिर तो उसका काम ऐसे ही तमाम है। मिमिक्यू, मिमिक्यू के लिए मैं हरमन को ले आता हूँ। पहले तो लीच सीड सही है। अब पॉइजन पाउडर नहीं हुआ पॉइजन, वो स्टील टाइप है क्या? स्टील टाइप है, स्टील एंड डार्क के साथ से, तो उस पर पॉइजन का असर नहीं होगा मेरे ख्याल से। चलो ये भी सही है। एक बार हील कर लो यार। ओह मेरे पास पोशंस नहीं है अभी। नॉइस, अब मैं क्या करूं? चलो हारे तो एक बार में पहुंचेंगे वहाँ पे पीछे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई चेंसी वगैरह तो होनी चाहिए ना यहाँ पर। यहाँ पर वैसे पोकन से पकड़ सकते हैं। ओह ओके जियो डूड, इसको तो हरा देंगे। मैग्नीट्यूड 5 कोई बात नहीं। देयर वी गो, चिंता मत करो। एक और स्नेक वाला पोकेमॉन। ओके ले शीट, सैंड स्टॉर्म से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए हमको। पॉइजन पाउडर ये भी सही है। अब धीरे धीरे करके हम इसको अपने कंट्रोल में लाएंगे, मुट्ठी में लाएंगे। रेजर लीफ उतना ही इफेक्टिव था, तो मैं दो बार करता हूँ उसी में हार जाता वो, पर ठीक है। मिसवर पहुँच चुका है 26 पे। और नेक्स्ट नहीं, रेजर लीफ ओह थोड़ा सा बाकी है। हाइडन सही है ब्रो, यही करो। ओह 25 पे तेजी पहुँच गया। यहाँ कुछ ना कुछ तो हीलिंग वाला होगा। मैं चाहूँ तो यहाँ पे कोई पोकेमॉन पकड़ सकता हूँ। ऑनिक्स और टीम पे रखा जाए क्या? वैसे नीचे स्टीलिक्स था, वो ज़्यादा प्रेफर करता मैं, बट चलो सही है। अभी मेरे को एक और स्टीलिक्स दिख गया तो मैं पकड़ लूँगा, अदरवाइज हम लोग छोड़ देंगे उसको। ओ देयर इज अ चांसी, चांसी थैंक यू वेरी मच फॉर हीलिंग माय पोकेमॉन। सब बार बार हील मत कर। ओके हमको मिला एक रिवाइव, नाइस। ओ फाइनली एक रिवाइव तो मिला मेरे को। टीम रॉकेट का बंदा, इससे लड़ लेते हम लोग। कॉफिंग पहले तो लिस्ट किया जाए। सेल्फ डिस्ट्रक्ट आता है इसको, कोई बात नहीं। आरबॉक था ना, हाँ आरबॉक है। पहले तो हम लोग लिस्ट करेंगे। ओह माय गॉड लिस्ट हो जा, अब तो तू ख़त्म है, तू ख़त्म है, अब कुछ भी कर ले तो। चलो सही है। पैक अटैक ओके क्लियर। अरे नहीं कोई बात नहीं, चेंसी तो बगल में ही है ना, ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है हमको। तुरंत में हम हील कर लेंगे, बस यूं गए और यूं हील किए हम। देखो बूम हील्ड। ये केव थोड़ा बड़ा मेरे को लग रहा है वैसे तो। ऑनिक्स जियोडोड कोई खास पोकेमॉन नहीं है यहाँ पे, एक जगह मेरे को स्टीलिक्स मिला था बस, अदरवाइज यहाँ पे ये। अच्छा राइहॉर्न पकड़ सकते हैं ना फिर, लेकिन उसको इवॉल्व कराना दिक्कत है। एक राइपीरियर में, राइडॉन में इवॉल्व हो जाएगा वो, बट राइपीरियर में इवॉल्व कराना एक दिक्कत है। हालांकि हम उसको रख सकते हैं, राइडॉन भी काफ़ी अच्छा पोकेमॉन है, क्या बोलते हो तुम? चलो देखा जाए और कोई पोकेमॉन है यहाँ पे। वैसे तो मेरे को लगते नहीं है अब ज़्यादा होंगे पोकेमॉन्स, लगभग पोकेमॉन यही सारे रहते हैं केव में। चेंज कर लूँ मैं, तेजी को ले आते। बग टाइप ऑलरेडी है तो पॉइजन का उतना असर नहीं होना चाहिए। वैसे ऐसा ही वो टाइप एडवांटेज नहीं है, बट फिर भी मेरा वो क्या बोलते हैं उसको, क्या बोले उसको मैं, मतलब मैं ऐसा वो मेरे अंदर से वो वर्ड नहीं निकल रहा जो उसको कह सकता हूँ मैं। स्विच एंड नहीं सिखाना मेरे को, भगाओ भाई इसको। 27 में मिसवा पहुँच गया। टॉक्सिल एक पॉइजन टीप पोकेमॉन। ओह
पहले तो मैं हरमन को ही ले आऊँ। पहले लिस शीट, लिस शीट काफ़ी खतरनाक मूव है। एक लिस शीट जैसे देख रहे हो मैं किसको किसको हरा रहा हूँ। नज़र तू आ जाओ, पैक अटैक। ओके ट्वेंट से कुछ नहीं होगा ब्रो। टॉक्सिल इलेक्ट्रिक टाइप भी है ना, काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे मेरे को पकड़ ले तू एक। अब देखो आगे मेरे को मिल गया तो मैं पकड़ लूँगा, पीछे मैं नहीं जाने वाला अबे उतना दूर ट्रैवल करके। ओह देयर इज़ द साइंटिस्ट अंकल, वो फिर से वो करेगा मेरे को, हमें ना टेस्ट करेगा मेरे को। बैटल करता है नहीं, डायरेक्ट वो ले जाता है साथ से, पता नहीं मेरे को याद नहीं है, बट देखते हैं। हे रुको, ये मुझे मिला है, दोनों फसल मेरा है। अच्छा बैटल करता है, करता है बैटल। क्राइमर, पहले तो ले शीट, हाइड एंड नो प्रॉब्लम। और अबे दो पैरालाइज है मेरे पास पोकेमॉन्स। एक तो बात अच्छी है कि यहाँ पे ये पॉइजन नहीं हो सकते क्योंकि ये पैरालाइज्ड है, तो कुछ भी कर लो पॉइजन टाइप मूव, मैं पैरालाइज पॉइजन तो नहीं होऊंगा अब। कभी कभी ये एडवांटेज भी दे देता है बिल्कुल, क्योंकि पॉइजन से ज़्यादा खतर मतलब पैरालाइज से ज़्यादा खतरनाक पॉइजन है। सही है ब्रो। मड बैरी, ग्राउंड टाइप पोकेमॉन ही होगा। मड ब्रे, ओके लेट्स यूज रेजर ली, एक बार में ही चला गया, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। स्नीजल एक स्टील एंड आइस टाइप पोकेमॉन है, पहले तो एम्बर और एक और एम्बर खत्म। और बताओ साइंटिस्ट, विंग अटैक, वो फाइनली साइथर को एक विंग अटैक आ रहा, बहुत अच्छे भाई, फ्लाइंग टाइप मूव सीख गया एक साइथर हमारा, तेजी हमारा। सिर्फ एक चुनो, लालच पूरी भला है। ओके तो यहाँ पे हमारा हेलिक्स फॉसिल है या फिर डोम फॉसिल है, तो आई एम गोना चूज हेलिक्स फॉसिल। हेलिक्स हो ना एरोडैक्टाइल मिलता है मेरे को, अदरवाइज डोम फॉसिल चुन सकते हम। चलो मैं डोम फॉसिल ले रहा हूँ। हेलिक्स मैंने काफ़ी बार ले रखा है इसके कारण बस। ओके ओके अब हेयर, इससे इसको पहले हरा। एक मिनट, ये येलो यहाँ क्या कर रहे है? मेरा नाम है येलो, मुझे रेड ने कहा कि आप बहुत स्ट्रांग हो और आपको ये आइटम देने के लिए कहा, पर मैं देखना चाहता हूँ कि क्या सच में आप में वो बात है। ओके कौन सा आइटम का बात कर रही है येलो, कर रहा है येलो? कंफ्यूज मत होना, 23 लेवल के पोकेमॉन है, इसके लेवल पोकेमॉन से थोड़े कम है बट खतरनाक है भाई, बच के रहना थोड़ा सा, खासकर इसका हाइप, ये हाइप क्या बोलते हैं उसको, हाइपर फैंग, काफ़ी खतरनाक मूव है ये। चलो नेक्स्ट पोकेमॉन डोटरियो। डोटरियो के लिए मैं किसको लाऊं? मिज़वा को ही लाना पड़ेगा, और कोई तो है नहीं। पहले तो फायर स्पिन, ओ माय गॉड नो नो, रिवाइव है मेरे पास, मेरे पास नहीं है वो चीज़। फायर स्पिन, ट्राई अटैक, ओ माय गॉड पहले बार में ही लगा और वो चल बसा। परस्यूड नॉइस, अब मेरे ख्याल से मेरे को पोकेमॉन चेंज कर लेना चाहिए, नज़र पे कम असर पड़ेगा इसके फ्लाइंग टाइप मूव्स का, तो वो सही है, हम लोग पैक अटैक करते हैं। ओके 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 नज़र, कोई बात नहीं नज़र, थोड़ा धोखा सह लो तुम। आई गेस मैं हरमन को लाता हूँ, उसका एचपी कम है तो, या लिस शीट से थोड़ा हील हो जाएगा। पिकाचू, पहले तो लिस शीट, डबल टीम, अब तो तू हार गया। नहीं 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 अभी नहीं अभी नहीं, रेजर लीफ ही करते हैं, पॉइजन करने का ज़्यादा फ़ायदा नहीं था क्योंकि यहाँ पे एक बार में हार गया, सच में हमें वो बात थी। आप ये डिज़र्व करते हो, प्लीज़ हमारी मदद कीजिए, हमें घर वापस जाना है। रेड बताता नहीं है पर वो बहुत अकेला है फ़िलहाल, ग्रीन और ब्लू का कुछ भी पता नहीं चल रहा अभी तक, हमें मिला मैक्स रिवाइव। ओके मेरे को लगा कोई मेगा वो मिलेगा, मेगा इवोल्यूशन स्टोन, मेगा बैंड ऑलरेडी मेरे को मिल चुका लास्ट एपिसोड में। ओह नाइस, हम रूट 4 पे पहुंच गए, अब यहाँ पे काफ़ी कुछ तो है नहीं। ओह वहाँ पे वो है क्या, क्या नाम है उसका, प्रोफेसर कुछ तो नाम है, कुछ और मल्टी यूनिवर्स से आए हैं यहाँ पे, क्या चल रहा है यहाँ पे, ये गंदे लोग हैं। मिस्टी, ये मिस्टी है, आई मीन ओके तुम ये सब क्यों कर रहे हो ब्रॉक, ये सब छोड़ दो प्लीज। मुझे माफ़ कर दो मिस्टी, वो सब मेरी वजह से हुआ है, सब मेरी गलती है
उसने लोगों पे भरोसा किया लेकिन उसे सिर्फ धोखा मिला। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज डेथ। तुम रेड के मौत के जिम्मेदार नहीं हो। वो कभी नहीं चाहेगा कि तुम ये दर्द और खून से भरे रास्ते पर चलो। तुम्हें कुछ नहीं पता, जिस किसी ने मेरे दोस्त को धोखा दिया था अब वो सब पछताएंगे। सबसे पहले नंबर है प्रोफेसर ओक और उनकी फैमिली का। टीम रॉकेट ही अब से मेरा घर है। ब्रॉक प्लीज। टीम रॉकेट ही अब से मेरा घर है? व्हाट इन द हेल, ये कौन से यूनिवर्स से आया भाई? उस यूनिवर्स पे रेड मर चुका है और वहां पे ब्रॉक बदला ले रहा है और वहां पे प्रोफेसर ओक विलन है। व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन मैन। TM05 मिला मेरे को। इधर साइड भी कुछ है नहीं, ऊपर साइड से मेरे को लगता है वो कुछ फाइटिंग वाले कुछ मूव सिखाते हैं। वेल वट एवर, वी विल चेक आउट इन नेक्स्ट एपिसोड। आज का एपिसोड कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया है। मैं एक बार सिटी में जाके गेम सेव करना चाहूँगा यहाँ पे, लेकिन पहले ये है पता नहीं वो बैटल कर ले मेरे से, तो गेम हम यहीं पे सेव करते हैं। नेक्स्ट टाइम हम लोग थोड़ा आगे जाके और देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं यहाँ पे। बट अगर तुमको आज का एपिसोड पसंद आता है तो तुमको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है इसी तरह के और एपिसोड देखने के लिए एंड यहाँ तक देखने के लिए अरिगातो।